साथियों, मुझे खुशी है कि भारत अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। नाविक से भारत ने ये उपलब्धि हासिल करके दिखाई है। आज इसी ओर एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारतीय निर्देशक का लोकार्पण किया गया है, यह हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब फूड, एडिबल ऑयल्स, मिनरल्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, फार्मा और टेक्सटाइल ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंडस्ट्री रेगुलेशन सेंट्रिक अप्रोच के बजाय कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़े। इन नए मानकों से देश भर के जिलों में वहां के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल पहचान दिलाने का अभियान है, उसको बहुत लाभ मिलेगा। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को विशेष लाभ होगा, क्योंकि बाहर की जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं, उनको यहीं पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लोकल सप्लाई चेन मिलेगी। सबसे बड़ी बात, नए मानकों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी। इससे भारत के सामान्य उपभोक्ता को भी अच्छा सामान मिलेगा, एक्सपोर्टर की परेशानी भी कम होगी, यानी हमारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी में जितने बेहतर होंगे उतनी ही ताकत देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी। साथियों, अतीत से लेकर वर्तमान तक आप कभी भी देखें, जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है वो देश उतना ही आगे बढ़ा है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएशन साइकिल है। साइंस से कोई आविष्कार होता है तो उसी के प्रकाश में टेक्नोलॉजी विकसित होती है, और टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री खड़ी होती है, नए उत्पाद तैयार होते हैं, नए आइटम निकलते थे, प्रोडक्ट निकलते हैं, इंडस्ट्री फिर नए रिसर्च के लिए साइंस में इन्वेस्ट करती है, और यह साइकिल नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। सीएसआईआर एनपीएल ने भारत के इस वैल्यू साइकिल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब साइंस से मास मैन्युफैक्चरिंग की इस वैल्यू क्रिएशन साइकिल, इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए सीएसआईआर को इसमें बड़ा रोल निभाना होगा। साथियों, सीएसआईआर एनपीएल ने आज जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल उसे जो देश को सौंपा है, उससे भारत नैनो सेकंड यानी एक सेकंड के एक अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना
अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनित सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री, हम जो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, उस इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी भारत की भूमिका को सशक्त करेगा। साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों के ही सतत प्रयासों से भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। साथियों, किसी भी प्रगतिशील समाज में रिसर्च जीवन का एक सहज स्वभाव भी होता है और सहज प्रक्रिया भी होती है। रिसर्च के प्रभाव कॉमर्शियल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, और रिसर्च हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को विस्तार देने के लिए भी काम आती है। कई बार रिसर्च करते समय यह अंदाजा नहीं होता है कि फाइनल गोल के अलावा भी वो और किस दिशा में जाएगी, भविष्य में वो और किस काम आएगी। लेकिन इतना तय है कि रिसर्च, ज्ञान का नया अध्याय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे यहां शास्त्रों में जैसे कहा है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, मैं मानता हूं रिसर्च भी कभी मरती नहीं है। इसलिए मैं ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल के काम को पहचान कब मिली? उनके जाने के बाद मिली। निकोला टेस्ला के काम का पोटेंशियल भी काफी बाद में दुनिया पूरी तरह समझी। कई रिसर्च हम जिस दिशा में, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे होते हैं वो पूरा नहीं होता, लेकिन वही रिसर्च किसी दूसरे सेक्टर में पाथ ब्रेकिंग हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जगदीश चंद्र बोस जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में माइक्रोवेव के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। सर बोस उनके कॉमर्शियल इस्तेमाल की दिशा में नहीं बढ़े, लेकिन आज रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम उसी सिद्धांत पर खड़ा है। विश्व युद्ध के समय जो रिसर्च युद्ध के लिए था या सैनिकों को बचाने के लिए हुई, बाद में उन्होंने ही अलग अलग सेक्टर्स को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। ड्रोन्स भी पहले युद्ध के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन आज ड्रोन से फोटोशूट भी हो रहा है और सामान की डिलीवरी भी हो रही है। इसलिए आज ये जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे खासकर युवा वैज्ञानिक
अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगढ़, मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।